मेरे मखना झन मेरे मखना झन मेरे मखना गे हस गए एक पल इधर दगना के नजरा रस नैना दा चखना भी झन मेरे मखना हो थोड़ा पीछे फूल है बेटे हाँ फूल है पीछे हाँ हाँ बिल्कुल फूल है इस तरफ तो कह रहे थोड़ा सा हो जाए आप बताइए आपका कैमरा ठीक आ रहा है ना बाकी खैर है ये पकड़ के साथ में एक ये पकड़ो तो मैं भी थैंक यू सो मच चलें आइए चलो आ जाओ ना कौन है आ जाओ प्लीज चलें ओके ओके जी मोइन सवाल करो मैडम 10 साल बाद गालिबन आपकी वापसी है गुलकारी में आपको मिस कर रहे थे लोग क्या कहना चाहेंगे जो आपको मिस करते रहे इतना अच्छा एक्चुअली पहले तो डॉक्टर एजाज वारिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने पूरा मीडिया यहाँ पर इकट्ठा किया है और मुझे अपनी बात करने का और अपनी बात रखने का मौका दिया है और ऐसी सोशल गैदरिंग्स आपने शायद आपको याद होगा मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ लेकिन इस दफ़ा इसलिए सामने भी आई हूँ और डॉक्टर साहब का इंसिस्ट भी था इन्होंने इंसिस्ट भी किया कि आपको आना चाहिए मैं कहीं भी नहीं गई थी मेरा पहले जन्म है नंबर वन नंबर टू ये कि बाज़ औक़ात जब आप काम कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं आपने देखा होगा जितने भी लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं वो कभी काम करते हैं कभी थोड़ा करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं तो वो जो ब्रेक होता है ना जैसे अभी लाइट आप कितनी देर तक जला लेंगे उसको थोड़ी देर के लिए तो ऑफ करना होगा जैसे आपको भी थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत होती है एक सिंगर के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है वो थोड़ी सी ब्रेक लें मैं गई कहीं नहीं थी लेकिन अब वापस जैसे आई हूँ अब मैं कहीं नहीं जाने वाली अच्छा मैडम जो आपने ब्रेक लिया था इस दौरान जो आपके फॉलोअर्स हैं जो आपके फैंस हैं वो जानना चाहते हैं क्या आप रूहानियत की तरफ चली गई थी क्या अच्छा किया देखिए वो आप सारी बातें छोड़े उसको ब्रेक की फिक्र पड़ी हुई है अरे मैं तो हंस रही हूँ तुम लोगों के साथ इतने अरसे के बाद मिलने का मौका मिला आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जनाब जितने भी यहाँ पर चैनल सारा मीडिया बैठा है यहाँ पे आर्टिस्ट जो है आप लोगों की वजह से बनता है और आर्टिस्ट को बनाने वाले भी आप हैं अच्छा कोई काम करे तो सराहना आपका काम है और आप सराहा भी आपने मैं ब्रेक की तरफ ही आऊंगी क्योंकि मुझे ये बताया क्योंकि मुझे एक मिनट ठाकुर साहब अच्छा, मुझे लगता है इसको वो ब्रेकिंग नहीं 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 ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चले आप इसको ब्रेक ही समझ लीजिए अगर आप इसको ब्रेक समझ रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप सब लोग यहाँ पर मेरे प्यार की खातिर आए हैं डॉक्टर साहब के प्यार की खातिर आए हैं और हम सब इकट्ठे हुए हैं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा हेरिटेज हमारा कल्चर जो है जिसको हम थोड़ी देर के लिए चले आप ये समझ में भूल गई थी हम उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं अच्छा फिल्म में भी आप गा रही हैं जनाब तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा फिल्मों में भी गा रही हूँ जनाब मैंने मेरा एक एल्बम एक गाना जो है मोरनी दीदार के साथ वो दीदार और असद अली जो हैं टिकटॉकर आप जानते होंगे बहुत नंबर है वो भी उनके साथ मेरा गाना जो है वो पिक्चराइज हो चुका है और बहुत जल्दी मैं अपना चैनल लॉन्च कर रही हूँ शाज़िया मंजूर के नाम से वहीं से वो गाना भी लॉन्च होगा आपने कैमरे पकड़े में तालियां तो मैं कह नहीं सकती तो आप कुछ उसके लिरिक्स सुनाएंगी शायद हम दिल में तालियां बजा रहे हैं आप नहीं बजाएंगे तो हम गिर जाएंगे आपको मैं दिल में तालियां बजाने के इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि डिजिटल दौर है और आपको पता है डिजिटल राइट्स के आजकल बहुत होता है तो वो आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सब लोग ही उसको और मुझे आप सबसे ये प्रॉमिस है आप उसको प्रमोट करेंगे तो एक सवाल और है कि स्वादिश पे आप आई हैं आज जिन्होंने सारा ये किया है कैसे लग रहा है आपको मैं कहती हूँ जी स्वादिश आला। वो एक हम कहते हैं पंजाबी का मिश्रा स्वाद आ गया आला। तो स्वादिश जो है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन्होंने हमारे मेहमानों को अकोमोडेट किया अभी मुझे बुके पेश किया थैंक यू वेरी मच अपने प्यार करने वाले अपने मुल्क के लोग आप लोग जब इज्जत देते हैं तो पूरी दुनिया इज्जत देती है याद रखिएगा मेरे ख्याल में एक गाना तो बनता है एक लाइन चले लाइन नहीं मुझे अच्छा मेरा ख्याल है तूने तीन माइक पकड़े में एक मुझे पकड़ा दे कॉपीराइट का तब होता है बेटे मसला जब आपने नया गाना किया जब आपके अपने गाने आपके पास हों पुराने कोई सुना देगा अच्छा सा ठाकुर साहब जनाब ना झन मेरे मखना झन मेरे मखना झन मेरे मखना गे हस गए एक पल इधर दगना के नजरा रस नैना दा चखना भी झन मेरे मखना हो आप वापस आए हैं तो आपने आते सारी सावली सा केलवी साहब के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है उससे मुतल्लिक भी कुछ बताएंगे जी बिल्कुल मैंने इंटरनेशनली टोटल मल्टीमीडिया एक कंपनी है सनी मल्ली साहब की यूएसए में उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है
और ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी मेरे कॉन्सर्ट्स हैं जो भी है सब वही देखेंगे। और उसी कंपनी ने मेरा और सांवल ईसा खेलवी जो अताउल्ला ईसा खेलवी साहब के बेटे हैं और माशाल्लाह से अताउल्ला ईसा खेलवी साहब को कौन नहीं जानता, तो वो हमने मैशअप किया है और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल मैशअप हुआ है। अभी अकरम राही साहब के साथ भी मैंने दो ड्यूट किए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे और एक दो सरप्राइजेज भी रहने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।